बढ़िया स्वादिष्ट बनी है। देखिए ये देखिए गेलू का अंडा चप सबका, और सब लोग खा रहे हैं। पापा ने रोज दीजिए ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा चटपटा खाने को मन करता है। तो इसलिए देखिए एकदम बारिश आ चुकी है, इस साइड से बारिश आ चुकी है, एकदम बिजली कड़क रही है। तो आज एक चटपटा रेसिपी बनाते हैं। आज कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, तो इसलिए आज कुछ चटपटा रेसिपी बनाएंगे, एकदम मज़ेदार रेसिपी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को तो क्या बनाना है। तो आज बनाएंगे अंडा चप, बनाएंगे एग चप, बनाएंगे साथ में हरी चटनी, एकदम देसी स्टाइल में बनाएंगे, तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए पहले अंडा को उबाल लेते हैं। ये देखिए एकदम बारिश आ चुकी है, तो हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी भी गिर रही है बारिश। देखिए बिजली कड़क रही है, एकदम मस्त मौसम एकदम बढ़िया है, तो इसलिए चटपटा खाने का मन कर रहा है। ये देखिए, तो आज बनाएंगे कुछ चटपटा रेसिपी अंडा चप। तो चलिए देखिए हमारा अंडा एकदम सीज चुका है, उबल चुका है। तो भाभी उसे छिलका निकाल रही है। तो जब तक भाभी वो अंडा का छिलका निकाल रही है, तब तक हमने वो जो चटनी के लिए एकदम देसी चटनी बनाएंगे, देसी चटनी के लिए जो हमने रखा है तो चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए देसी चटनी के लिए हमने रखा है टमाटर, धनिया पत्ता, और ये लहसुन, ये छोटा टुकड़ा अदरक, और एक हरी मिर्ची, और साथ में एक नींबू रखा है। तो बाद में नींबू एकदम निचोड़ देंगे इसके अंदर, तो चटनी बनेगा, एकदम मस्त चटनी बनेगा। चलिए पहले बना लेते हैं। साथ में नींबू को काट के निचोड़ लेते हैं। फिलहाल अंडा को काट लेते हैं अभी। ये देखिए हमने अंडा को काट लिया है, बस बेसन का पेस्ट बनाना है। चलिए बेसन का पेस्ट भी बना लेते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी, और साथ में धनिया का पत्ता हमने काट के रखा था, चुन चुन करके काट लिया था, बस उसे डाल देते हैं। बस साथ में पानी डाल देते हैं। पानी डाल के मिलाएंगे उसे। एकदम गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, एकदम पानी नहीं बनाना है, बस थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। मेरा साथ में थोड़ा नमक, फिलहाल हमने सारा सामान रेडी कर लिया है। तेल भी गर्म हो चुकी है, बस ये भी सारा सामान रेडी हो चुका है। बस अभी छान लेंगे अंडा को। ये देखिए हमने ये पेस्ट भी बना लिया है। फाइनली हमारा एग चप बन कर रेडी हो चुकी है। ये हमारा अंडा चप, तो अंडा चप के साथ खाएंगे हरी चटनी। तो हमने बनाया है एकदम देसी चटनी बनाया है, साथ में हमने चटनी बनाया है। ये देखिए अब चलते हैं खाएंगे, थोड़ा टेस्ट करेंगे। फाइनली हमारा अंडा चप बन के रेडी हो चुकी है। बस अब जाते हैं, सारे परिवार मिलके खाएंगे तो दिखाएंगे आप लोगों को। टेस्ट भी बढ़िया होगा क्योंकि हरी चटनी जो बनी है तो मैंने बनाया है एकदम देसी चटनी। तो चलिए अब खाना शुरू करते हैं। ये देखिए घेलू का अंडा चप सबका, और सब लोग खा रहे हैं। पापा ने रोटी दी ना, फाइनली जो बारिश का मौसम में थोड़ा तीखा खाने का मन कर रहा था तो हमने शाम का टिफिन तो बना लिया है। तो हम लोग सब लोग मिलके भी खा चुके हैं। बाबूजी तो घर पे नहीं है, बस हम लोग सारे लोग खा चुके हैं। और टिफिन तो मस्त बनी थी। वो एग का चप साथ में एकदम देसी स्टाइल में मैंने चटनी बनाया था, तो चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी, खा लिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक करना। चलिए आज का आप लोग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।